मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरुखाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 92 करोड़ की 20 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जहां 100 से अधिक लाभार्थियों को सीएम द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने आरोग्य मेला समेत सीएससी का उद्घाटन किया। इस जनसभा में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। जिले के सांसद समेत चारों विधायक सीएम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित होते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भय और आतंक फैलाने वाले लोगों को प्रदेश में जगह नहीं दी जाएगी। बेटियों को 2017 से पहले लोग बाग घरों से बाहर भेजने पर डरते थे, भय और आतंक समाया था। वहीं अपराधियों और माफियाओं के हौसले बुलंद थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार अपराधी और माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है, तो माफियाओं के रहनुमाओं को बुरा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कहीं ये बुलडोजर उनकी तरफ ना घूम जाए। वहीं उन्होंने 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का ऐलान किया, साथ ही उन्होंने आरोग्य मेले की जनता को खूबियां बताई। वहीं उन्होंने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस आरोग्य मेले में पहले ही दिन 1 लाख लोगों का इलाज हुआ। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना ही इस मेले की सफलता है। वहीं उन्होंने अपने शासन काल की 3 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि 35 लाख लोगों को आवास मिल चुके हैं, वहीं 2,61,00,000 लोगों को शौचालय मिल चुके हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति में प्रदेश को बटने नहीं देंगे। वहीं पुलिस विभाग में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।